गुर की टहल, गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पानी, गुर की टहल, गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पानी, गुर की आज्ञा पानी, गुर की टहल, गुरु की सेवा, गुर की टहल, गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पानी, गुर की आज्ञा पानी, गुरु की सेवा, 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 गुर की पहल, गुरु की सेवा, गुर की पहल, गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पानी, गुर की आज्ञा पानी, गुरु की सेवा, 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 महानंद सदा कर कीर्तन पुरख विदाता पाए, पुरख विदाता पाए, महानंद सदा कर कीर्तन पुरख विदाता, गुरु की सेवा, 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 गुर की पहल, गुरु की सेवा, गुर की पहल, गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पानी, गुर की आज्ञा पानी,
जसो मन गायो, राम जसो मन गायो, राम जसो मन गायो, राम 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 अब मोहे राम 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 जसो मन गायो राम 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 जसो मन गायो राम 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 अब मोहे राम जसो मन गायो राम जसो सदा सुख मन में सतगुर पूरा पायो सतगुर पूरा पायो पायो परगास सदा सुख मन में सतगुर पूरा पायो सतगुर पूरा पायो गुरु की सेवा गुरु की सेवा गुरु की टहल गुरु की सेवा गुरु की टहल गुरु की सेवा गुरु की आज्ञा पाने गुरु की आज्ञा पाने आता दुख परम पापा गाता दुख परम पापा गाता गुण निदान रिद पीतर वसियाता दुख परम पापा गाता दुख परम अगोचर राम नाम रंग लागा राम नाम रंग लागा पै परापत वस्ति अगोचर राम नाम मन लागा राम नाम रंग लागा राम
राम नाम रंग लागा रंग लागा रंग लागा राम 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 नाम रंग लागा 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 परापत वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा राम नाम रंग लागा राम नाम रंग लागा राम नाम रंग लागा गुरु की सेवा 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 गुरु की पहल गुरु की सेवा गुरु की पहल गुरु की सेवा गुरु की सेवा गुरु की सेवा गुरु की सेवा गुरु सेवा गुरु की सेवा गुरु की सेवा गुरु की सेवा गुरु की सेवा चिंत अचिंता सोच असोचा सोब लोग मोहताका सोग लोभ मोहताका चिंत अचिंता सोच असोचा लोग मोह थाका सोग लोभ जमते भय विवाका जमते भय विवाका मैं रोग मिटे किरपाते जमते भय विवाका जमते भय विवाका गुरु की सेवा
गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु सेवा, गुरु की सेवा, गुरु सेवा, गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी, गुरु की आज्ञा पानी, गुरु की सेवा, 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 गुरु की सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह, एक समुद्र के किनारे पर विराजमान है। समुद्र के किनारे के साथ एक घना जंगल भी है। मर्दाना कीर्तन कर रहा है, भाई बालाजी पंखा कर रहे हैं, गुरु नानक पातशाह सुन रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर्दाना क्या देखता है, कि समुद्र के किनारे पर कुछ दूरी पर एक लावारिस लाश पड़ी है किसी की, किसी इंसान की लावारिस लाश देह पड़ी है। एक बघियाड़ जंगल में से आया, दौड़कर लाश की तरफ आया, पर जन्म साखे में लिखा है जैसे ही उसने गुरु नानक पातशाह के दर्शन किए, गुरु नानक पातशाह को काफी समय तक देखता रह गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है बघियाड़ पर गुरु नानक पातशाह को देखकर काफी समय तक देखता रह गया। फिर कुछ देर बाद लाश की तरफ गया, कई दिनों का भूखा है बघियाड़, भोजन नहीं मिला। वो बघियाड़ लाश के पास जाता है, सर सूंघता है, हाथ सूंघता है, पांव सूंघता है, घूमते जा रहा है, भूख लगी है, पर उस लाश को खा नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कभी आगे होता है, कभी पीछे, आखिर में उसने लाश छोड़कर दूर जाकर बैठ गया, खाई नहीं वो लाश। मर्दाना देखकर हैरान हो रहा है, कहने लगा गुरु नानक पातशाह ये क्या कौतक है, इसे भूख भी लगी है, लगता है देखकर कि बहुत समय से इसने भोजन नहीं खाया, फिर भी लाश नहीं खा रहा, क्या कारण है। मेरे सर्व कला समर्थ गुरु नानक पातशाह कहने लगे चल बघियाड़ से ही पूछ लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इशारा किया, बघियाड़ उठकर आ गया। गुरु नानक पातशाह ने उसे सवाल किया, भाई मर्दाने के मन में सवाल आया है तो जवाब दे। साथ संगत जी, वो बघियाड़ गुरु नानक पातशाह के कहने पर इंसानी आवाज में बोल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुलवा कौन रहा है खुद निरंकार, गुरु नानक बोले डर गए परवान।
बगैर कहने लगा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, इस लाश को खाने ही जा रहा था कि मुझे गुरु नानक पातशाह के दर्शन हो गए। और जैसे ही मैंने दर्शन किए मुझे ज्ञान हो गया। प्यार से बोले, धन गुरु नानक। जानवर साथ संगत जी, जानवर। जिस गुरु नानक पातशाह के दर्शन करके चोर चोरी छोड़ जाए, ठग ठगी छोड़ जाए, कत्ल करने वाला कत्ल करना छोड़ जाए, बग्याड़ अपने तामसिक वृत्ति भूल गया। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कहने लगा, मुझे ज्ञान हो गया, भूख तो मुझे लगी है, भोजन भी हमारा मांस है, मैं खाना भी चाहता हूँ इसे, पर मैंने गुरु नानक पातशाह के दर्शन किए, मुझे ज्ञान हो गया। मैं हाथ खाने गया तो मुझे पता चल गया इसे सूंघ कर कि इस लाश, ये जो व्यक्ति है जिसकी मौत हुई है, इसके हाथों ने कभी सेवा नहीं की। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। मैं पैर खाने गया तो मुझे ज्ञान हो गया कि इस पैरों से चलकर कभी ये सत्संग में नहीं गया। सर की तरफ गया, इसके कानों ने कभी राम नाम नहीं सुना, इसकी रसना ने कभी राम का नाम नहीं लिया, इसकी आंखों ने कभी किसी संत महापुरुष के दर्शन नहीं किए। घर से बोलिए, धन गुरु नानक। एक तो मैं पहले बग्याड़ की जोने में हूँ, पता नहीं मैंने क्या क्या किया है, 84 भुगत रहा हूँ, और ऐसे पापी की लाश खाकर तो पता नहीं कितने बड़े पाप कर दूँ। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। वो बग्याड़ कहता है, ऐसे इंसान की लाश खाने से अच्छा है जिसकी शरीर से कभी कोई सेवा का काम नहीं हुआ, इससे अच्छा है कि मैं भूखा मर जाऊं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाणी कहती है सात संगत जी, नरु मरे नर काम ना आवे, पशु मरे दस काज सवारे। इंसान मरता है किसी काम नहीं आता, उल्टा डेढ़ पेड़ लकड़ी के भी साथ में जला कर जाता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। मरने के बाद भी नुकसान ही करता है। एक जानवर मरता है, दस काम संवारता है, दस काम, चमड़ी काम आती है, सींग काम आते हैं, एक एक हिस्सा उसका उपयोग में लाया जाता है। गुरबाणी कहती है, जो शरीर, जिस शरीर से कभी कोई सेवा ना हुई हो, उससे अच्छा तो जानवर है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। शब्द श्रवण कर रहे हैं, गुर की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पाणी। सेवा, अगर इस शरीर से, गुरु नानक पातशाह ने मर्दाने को समझाया कि यह शरीर मिला केवल दो कामों के लिए है, एक सत्संगत और एक सेवा, और इंसान इन दो चीज़ों को छोड़कर बाकी सब करता है और फिर 84 में भटकता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। इसके बाद गुरु नानक पातशाह ने मेहर भरी निगाह से उस लाश को भी देखा, इस बग्याड़ को भी देखा, इन दोनों के रूप प्रकट हो गए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। इन्हें लेने देवता आए और गुरु नानक पातशाह ने दोनों को समझाया, दोनों के रूह को, कि अब तुम्हें इंसान का जन्म दिया जाता है, 84 काट दी, पर अगर अब तुमने सिमरन नहीं किया, नाम नहीं जपा, सेवा नहीं की, फिर से 84 के लिए तैयार रहना। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवा, महापुरुष वचन किया करते थे, सेवा वो बर्तन है जिसमें नाम सिमरन रूपी अमृत ठहरता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। पक्षी को उड़ने के लिए दो पंखों की जरूरत होती है, एक पंख से नहीं उड़ सकता। इसी प्रकार भगवान को पाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक सेवा, एक सिमरन। अगर सिमरन है, अमृत है, उसे संभालने के लिए सेवा रूपी बर्तन नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अगर सेवा है, सिमरन नहीं, बर्तन खाली रह जाएगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें थोड़ी सी अकल की ज़रूरत होती है सेवा करने के लिए। यह अकल तो गुरु नानक ही बख्शता है, इसीलिए तो मांगते हैं अरदास में बार बार, सुमत बख्शो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक।
माथा टेकते हैं, ये अरदास किया करो बाबा जी, सुमत बख्शो, सुमत को मत चली जाए, सुमत आ जाए, जो गुरु समझाए वो हृदय में और दिमाग में प्रवेश कर जाए। घर से बोले धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहा करते थे, जुगति अपनाया करो सेवा करने की। सेवा करने की भी जुगति होती है। अब देखो यहाँ पर सुबह अमृत वेले सुखमनी सब्जी का पाठ करते हैं कुछ लोग, ये पाठ वो घर में भी कर सकते थे। अगर वो घर में करते तो ये होता सिमरन। अपना पाठ करना, अपना नित्यनेम करना, ये है सिमरन। पर पाठ गुरु साहिब जी को सुनाना, संगत को सुनाना, ये सेवा और सिमरन दोनों साथ में हो गए। घर से बोलिए धन गुरु नानक। सुनाया भी जा रहा है। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे, जब पाठ करो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे हजूरी में बैठकर उन्हें सुनाया करो, सेवा और सिमरन दोनों हो गए। घर से बोलिए धन गुरु नानक। यह है जुक्ति। थोड़ा सा सेवा के बारे में बताकर दास आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सारी संगत नहीं है। वाणी कहती है, श्रवण कीजिए, सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है। ये जो पीछे सेवादार खड़े हैं, ये ध्यान से सुने, जितने भी सेवादार बैठे हैं जो कोई ना कोई सेवा करते हैं, सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित ला। मन चिंदिया फल पावना, होमे विच्चो जाए। अगर सेवा करने का ढंग आ जाए ना, सबसे बड़ी दात मिल जाती है। ये जो अहंकार खत्म नहीं होता, खत्म किए पाछा फरमाते हैं, ये अंदर से तेरे होमे की अहंकार की मैल खत्म हो जाएगी, बस तुझे सेवा करने का ढंग आ जाए। घर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर हो उल्टा रहा है, सेवादार अहंकार से भर जाते हैं कि हम ये सेवादार हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जबकि सेवा से आनी चाहिए थी, नहीं मरता, हो जाता है उल्टा कि हम सेवादार हैं। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। चित लगाने का मतलब, कोई झाड़ू मारने की सेवा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चित लगाकर झाड़ू मारे। कोई पोछा मार रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है, वो चित लगाकर प्रसाद बांटे, मन लगाकर, दिमाग लगाकर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाशा फरमाते हैं, सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। चित नामा कहे त्रिलोचना, मुखते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब, चित निरंजन लाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, सेवा कर, चाहे कोई भी सेवा कर, तेरी वो सफल तभी है अगर वो करते करते तेरा चित सिमरन में लगा हुआ है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सेवा करते हुए तू फोन पर बातें कर रहा है, अगर तू सेवा करते हुए मस्ती मजाक कर रहा है, तो सेवा थाई नहीं पड़ेगी। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। अगर चित निरंकार से जुड़ा है, कोई भी सेवा कर, कोई भी, तो तेरी सेवा सफल है। फिर ये वरदान है, मन चिंदिया फल पावना, जो तुझे चाहिए गुरु तुझे दे देगा, वो फल पालेगा तू, और अपनी तरफ से एक दात देगा गुरु, क्या होम में विच्चो जाए। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु की सेवा, 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 गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पाए, गुरु की आज्ञा पाए, गुरु की सेवा।
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहिब के तख्त पर विराजमान है। सुमत बख्शने के लिए कोई ना कोई कौतक करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अचानक कहते हैं संगत में, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक लड़का दौड़ कर गया, नौजवान लड़का, गिलास पानी का भरकर ले आया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसके हाथों की तरफ देखते हैं, इतने कोमल नरम और सुंदर हाथ। प्यार से बोले धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, ये तो जो पानी का गिलास लेकर आया है, कभी घर में माता पिता को भी पानी पिलाया है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लड़का कहने लगा, आपकी कृपा से बहुत धन दौलत जायदाद है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, माता पिता को क्या पिलाने, कभी खुद भी लेने नहीं गया पानी, नौकर ही लाकर पिला देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, चल ठीक है, कभी संगत में सेवा की है जो आज दौड़कर मेरे लिए लेके आया है? संगत में कभी सेवा की है? कहने लगा नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, तेरे हाथ से पानी नहीं पी सकते हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन हाथों ने कभी किसी की सेवा नहीं की, जिस शरीर से कभी किसी की सेवा ना हुई हो, पानी का गिलास भी नौकर पिलाते हों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, ऐसे हाथों से पानी पीना पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सेवा हर एक के नसीब में नहीं होती है, हर किसी के नसीब में नहीं होती ये सेवा। गुरु जिस पर रहम करता है, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, किसी इंसान के पुण्य बढ़ जाए, अब गुरु से कुछ देना चाहता है तो देने का बहाना बनाएगा, पहले कोई ना कोई सेवा बख्श देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा मिलने का मतलब ही ये है, समझ जाना कि अब गुरु कुछ देने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्यों ना इसे लिखवा लें, क्यों ना लिखवा लें। बग्याड़ कहता है, ये हाथों को मैं नहीं खा सकता, इन हाथों से कभी सेवा नहीं की, इन पैरों को नहीं खा सकता, ये पैर चलकर कभी सत्संग में नहीं गए, इन कानों को नहीं खा सकता क्योंकि इन कानों ने कभी राम का नाम नहीं सुना, इन आंखों ने कभी दर्शन नहीं किए, इस रसना ने कभी राम का नाम नहीं लिया। तो क्यों ना लिखवा लें गुरु से। लिख दे वाहगुरु वाहगुरु, लिख दे वाहगुरु वाहगुरु, लिख दे वाहगुरु वाहगुरु, लिख दे वाहगुरु वाहगुरु, लिख दे लिख दे
अमृत वेले सतसंग जान लिख दे गुरु लिख दे 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 दार लिख दे अखां विच दर्शन दीदार लिख दे मेरे कन्ना विच बाणी दी पुकार लिख दे कन्ना विच बाणी दी पुकार लिख दे मेरे हथा विच सेवा का गुरु नानक जी 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 लिख दे 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 किस्मत विच साध दा संग लिख दे किस्मत विच साध दा संग लिख दे मेरे हिरदे विच बाणी दा आनंद लिख दे मेरे हिरदे विच बाणी दा आनंद लिख दे लिखने वाले लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे गुरु नानक जी गुरु नानक जी गुरु नानक
नानक जी गुरु 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 नानक जी लिख दे सारी संगत लिख दे लिख दे वाहेगुरु लिख दे वाहेगुरु लिख दे वाहेगुरु लिख दे लिख दे दे लिख दे लिख दे करा जो कमाए देना दान लिख दे करा जो कमाए देना दान लिख दे मेरी ऐसे जामे विच कल्याण लिख दे मेरी ऐसे जामे विच कल्याण लिख दे लिखने लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे न
नानक जी गुरु 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 नानक लिख दे आए गुरु आए गुरु लिख दे आए गुरु आए गुरु लिख दे आए गुरु आए गुरु लिख दे आए गुरु लिख दे लिख दे वाहेगुरु लिख दे वाहेगुरु लिख दे लिख दे वाहेगुरु लिख दे वाहेगुरु लिख दे वाहेगुरु लिख दे लिख दे वाहेगुरु लिख दे 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 लिख दे